मॉर्निंग क्लास टू ना बेटा ओपन और पनोरमा बुक पेज नंबर 20 स्टोरी नंबर 6 द पेट शॉप। पेट समझते हो? कुत्ता घर में बहुत से लोग पालते हैं, कुत्ता क्या हुआ वो पेट हो गया आपका। गाय भी पालते हैं, जो भी आप घर में पालोगे ना वो आपका पेट हो गया, ठीक है। बिल्लियां भी लोग पालते हैं। तो स्टोरी है पेट शॉप यानी पालतू पशुओं की दुकान। तो क्या है स्टोरी में देखा जाए, जैक और एलिस ये दो भाई हैं। फोटो देख रहे हैं आप, जैक है और एलिस है, भाई बहन हैं। तो ये लोग सोचे कि एक हम लोग डॉग खरीद के लाया जाए, शौक होता है बच्चों को तो ज्यादा शौक होता नहीं सब पालने उलने का। तो इन सबों को डॉग चाह रहा था, तो ये सब गए पास ही में तो पालतू पशुओं की दुकान थी, तो गए सब वहीं से कि खरीद लिया जाए। तो छोटी सी दुकान थी वो, तो बहुत सारे एनिमल्स वहां पे नहीं थे, लेकिन जो दुकान का ओनर था मालिक, ठीक है, उसका नाम था मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ बहुत ही अच्छे इंसान थे जो ओनर थे दुकान के। ये लोग गए तो उन्होंने स्वागत किया इन लोग का अपने ढंग से और पूछा इन लोगों से कि बताओ बेटा मैं कैसे हेल्प करूं तुम लोगों की। तो इन लोगों ने बताया, एलिस ने कहा कि हम लोग एक कुत्ता खरीदना चाहते हैं। तो मिस्टर स्मिथ जो कि ओनर हैं, मालिक हैं दुकान, उन्होंने कहा कि देखो हमारी शॉप बहुत बड़ी तो है नहीं, केवल इस समय दो ही कुत्ते हैं मेरे यहां, उसी में से तुम लोग को चूज करना होगा। फिर आप फोटो देख रहे हैं बेटा, मिस्टर स्मिथ ने इन दोनों कुत्तों को जो है दिखाया, बच्चों को, बच्चों के सामने ले आए उन कुत्तों को दिखाए और बताए कि जो बड़ा वाला कुत्ता है बुलडॉग उसका नाम बूस्टर था और जो छोटा वाला था चिहुआ हुआ, ये भी कुत्ते की स्पीशीज है, उसका नाम टीनी था, छोटा था भी टीनी नाम भी था। तो मिस्टर स्मिथ ने इन लोग को दिखाया और कहा कि भाई इन्हीं दो में से कोई एक आपको लेना होगा। एलिस को टीनी बहुत पसंद था, लेकिन जैक को जो है वो बूस्टर पसंद आ रहा था। अब क्या करें, खरीदना एक ही है। थोड़ा सा दुकान के बाहर आए लोग, होता है ना कुछ डिस्कस करना होता आपस में, तो हम लोग शॉप के ओनर के सामने से हट करके कहीं बातचीत करते हैं। तो ये लोग भी थोड़ा बाहर आए डिस्कस करने के लिए। तो एलिस ने सलाह दिया, कहा कि देखो चलो हम लोग आपस में रेस करते हैं, ठीक, और जो रेस में जीतेगा उसी की चॉइस का कुत्ता खरीदा जाएगा। जैक एग्री हो गया, वो तो जानता था कि मैं ही जीतूंगा रेस में, तो जानते हो थोड़ा चालाक भी था ना जैक। एलिस अब रेस स्टार्ट होने वाली थी तो एलिस को बोल रहा है देखो देखो तुम्हारा शू लेस खुला हुआ है। अब एलिस अभी देख रही है नीचे शू लेस देख रही है, तब तक वो दौड़ चला और जैक जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा और वो पहले पहुंच गया। घर तक पहुंचना था इन लोगों को, पहुंच गया, समझ गया कि मैं विनर हूं। एलिस कुछ मिनट लेट आई और एलिस ने जैक को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई तुम जीत गए।
अब ये लोग वापस आए दुकान पर, पेट स्टोर पर, पेट शॉप पर, क्योंकि अब जैक जीत गए थे। जैक को बुलडॉग बूस्टर पसंद था, तो अब तो ये हुआ कि अब तो वही बूस्टर ही खरीदा जाएगा, क्योंकि यही तय था कि जो रेस जीतेगा उसकी पसंद का डॉग लिया जाएगा। अब ये आए लोग और मिस्टर स्मिथ से कहे ये लोग ओनर से कि बूस्टर कहाँ है, तो मिस्टर स्मिथ ने बताया कि अभी कुछ मिनटों पहले दो लड़के आए थे और वो बुलडॉग को बूस्टर को खरीद के लेके चले गए। यानी बूस्टर बिक गया इन लोग के आने के पहले। अब जैक जो है वो एलिस को देख रहा है, एलिस मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? जान रही कि अब तो जो मेरी पसंद वाला कुत्ता था वही बचा है और अब ये मजबूरी है कि वही खरीदना ही है। अब जैक की कुछ चलने वाली है नहीं यहाँ पे। जैक तो बेचारे अपसेट हो गए, थोड़ा परेशान हो गए। और जैक ने बोला एक बात, जैक ने कहा कि कभी कभी रेस तो जीत जाते हो तुम, लेकिन प्राइज नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलता। क्या कहने का मतलब था कि जैक ने रेस तो जीत लिया, लेकिन जो जिस लिए रेस हुई, ये तय हुआ कि जो विनर होगा उसकी पसंद का डॉग लिया जाएगा, वो बात तो हुई नहीं। पसंद का डॉग तो मिला ही नहीं। कहने का मतलब, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप रेस जीत जाएं तो आपको प्राइज मिले ही, ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि तो यहां पर तो वही हुआ, रेस जीता जैक ने, लेकिन एक्चुअली प्राइज किसको मिल गया? एलिस को। क्यों? क्योंकि एलिस की पसंद का डॉग ही खरीदा गया। ठीक है बेटा, इसीलिए मोरल है, विनिंग डज नॉट ऑलवेज गेट यू द प्राइज। आप जब भी जीतते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको प्राइज मिल ही जाए। ओके बेटा, थैंक यू।